योग गुरु बाबा रामदेव का गुस्सा सीधे तौर पर मोदी सरकार पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिस तरह से कोरोनिल को लेकर विवाद छिड़ गया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव ये सोच रहे थे कि मोदी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और रामदेव का बचाव करेगी। लेकिन बीते दिनों पहले जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई और डॉक्टरों से माफ़ी मांगने के लिए कहा, इस पर रामदेव और चिढ़ गए। वहीं IMA की तरफ से जो चिट्ठी योग गुरु बाबा रामदेव को मिली, उससे तो रामदेव और ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब देखने को ये मिल रहा है कि बाबा रामदेव मोदी सरकार से नाराज़ तो हैं ही, इसके साथ ही रामदेव सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि इस तरह से सरकार ने स्वस्थ भारत को बीमार भारत बना दिया और योग जैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया गया। आपको बता दें कि बाबा रामदेव का मोदी सरकार से नाराज़ होना BJP के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि शुरू से ही बाबा रामदेव ने BJP के समर्थन में बात की है। ऐसे में स्वामी का गुस्सा मोदी सरकार पर भारी भी पड़ सकता है और फायदा कांग्रेस पार्टी आराम से उठा सकती है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।